जो 70 साल एक राजा का बेटा है, जो राज किया, जो भारत में त्रिपाल आजादी हुआ था, त्रिपाल नहीं था, ओकर बाप माई पैसा देकर प्रधानमंत्री बना, ओकर विकल्प न आज झूठा होने वाला जो स्टेशन में पाला उसको विकल्प है कि प्रधानमंत्री बन सकता है। पीछे टिक की आगे ठीक, और राहुल गांधी कर देंगे सबको ठीक। अच्छा, ठीक है, ये इस बार राहुल गांधी इस बार सबको ठीक कर देंगे। कांग्रेस ने बहुत घोटाला किया, सब कुछ लूट लिया देश का, लेकिन एक काम बहुत बढ़िया किया था। क्या काम किया? पल्स पोलियो बराबर दिए सबको। ये जितने ही अनभक्त है ना, सब आले टेढ़े पैदा होते हैं। मोदी आएगा और कौन आएगा? मोदी जा रहे हैं, फिर से आ रहे हैं। मोदी जी वादा किए थे कि 15-15 लाख रुपया देंगे, 15 लाख रुपया हमको नहीं चाहिए, लेकिन 15 साल काम करने का मौका देंगे उसको। जिस देश में अगर शिक्षा का बात नहीं किया जाए, रोजगार का बात नहीं किया जाए, और जिस धर्म में युवा अगर धर्म की बात करने लगेगा, वो नौकरी के बदल बाबा जी का घंटा बजाए। 850 करोड़ ब्रांडेड घोटाला किसके लिए किया, जरा पूछिए उनसे। किसानों के 750 किसानों की हत्या किया, किसके लिए किया? MSP नहीं दिया, किसके लिए? और पूरे भारत में बड़ी बड़ी गोदाम अंबानी जो खोला था, किसके लिए खोला था? पूछिए जरा सवाल, पूछिए वो डाकुओं से सवाल जो राष्ट्र को लूटने का काम किया है। जय हिंद, मैं शासन दिल्ली, बहुत स्वागत है आप सभी का PRB में। 2024 लोकसभा की चुनावी जंग छिड़ी हुई है, तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारियों में है, नामांकन का भी दौर चल रहा है। तो ऐसे में हम बिहार में मौजूद हैं, बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं। पटना के लोगों से बातचीत करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, लोग क्या कुछ सोचते हैं, मोदी सरकार के कार्यकाल से लोग कितना संतुष्ट हैं, और अब की बार किसकी सरकार आने वाली है। तो आइए जानते हैं, क्या नाम हुआ भाई साहब? BTS कुमार। अच्छा, क्या लग रहा है, 24 का लोकसभा चुनाव है? हाँ। क्या कुछ लग रहा है अभी? लग रहा है हमें, देखिए चुनाव से मतलब यही है कि चुनाव होना तो चाहिए, ठीक है ना? चुनाव होगा, क्या होगा, मोदी जी आएंगे या फिर बदलाव होगा? नहीं, बदलेगा, दूसरा चीज होगा। अच्छा, बदलाव होगा। हाँ। क्यों बदलाव क्यों चाह रहे हैं? जैसे कि मोदी और जैसे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रहा है, ठीक है, तो भी लोग हैं। क्या लग रहा भाई साहब, लोकसभा चुनाव है, क्या कुछ लग रहा माहौल? तो मोदी 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 जी का लहर है। मोदी ठीक बा, प्रधानमंत्री बनेगा मोदी। क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी बनेगा, फिर से प्रधानमंत्री मोदी बनेगा। हाँ। कहाँ से आए आप? बंगाल से। अच्छा, बंगाल से है? बंगाल से। अच्छा, बंगाल वाले तो सिर्फ ममता दीदी का समर्थन। अलग बात है, सुनिए, वो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री का वोट है। अच्छा, मोदी मुख्यमंत्री का वोट है, ये प्रधानमंत्री का वोट है, प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। हाँ, वो काम अच्छा भी करता है। क्या क्या काम हुआ? अच्छा, बहुत अच्छा किया। क्या क्या अच्छा काम किया? गैस दिया, सभी दिया। हाँ, अभी रेशन भी दे रहा है, अब कितना देगा? अच्छा, घर बनाने के पैसा देता है, और कितना देगा? चलिए, लगता है 24 का लोकसभा चुनाव है। हाँ। क्या कुछ लग रहा माहौल इस बार? गरीब मर रहा है, गरीब मर रहा है, वो अपने विदेश जहाज में घूम रहा है। और कि लोगों के अच्छे दिन आ गए, भाजपा CBI या ED भेज के लोग बड़े बड़े कंपनी को बंद करवा दिया, बंद करवा के उसे चंदा लेके फिर चालू करवा दिया। अच्छा, तो यही तो वो कर रहा है वो। तो इस बार आएंगे कि नहीं आएंगे? इस बार बेईमानी से तो वो आ जाएगा, होगा ABM रहेगा तो बेईमानी से आ जाएगा। तो फिर वो अगर नहीं आएंगे तो फिर बदलाव देखेंगे आप? अब आएगा के बार? हाँ, है ना विकल्प, है ना, 70 साल जो राज चलाया होगा विकल्प ना है, बाल बच्चा वो खानदान चाय बेचे वाला विकल्प हो गए, जो झूठा धोया होगा विकल्प हो गया, चोरवन के फिर लाइए। जो 70 साल एक राजा का बेटा है, जो राज किया, जो भारत में त्रिपाल आजादी हुआ था, त्रिपाल नहीं था, ओकर बाप माई पैसा देकर प्रधानमंत्री बना, ओकर विकल्प न आज झूठा होने वाला जो स्टेशन में पाला उसको विकल्प है कि प्रधानमंत्री बन सकता है। हाँ। और राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता। इनको इनका क्या कहेंगे? कांग्रेस में आज तक अपना जो है ना पारिवारिक लोग उसमें जो है प्रधानमंत्री का दावेदार रहता है, आम आदमी का कोई किसी के पास की बात नहीं। मोहन सिंह तो रिमोट के साथ सरकार थे, और क्या थे वो, रिमोट से चलते थे, और क्या थे वो। मोदी जी का कैसा कार्यकाल रहा? बहुत अच्छा है, सभी लोग मान रहे हैं। दूसरा विकल्प क्या है? विकल्प बताए ना भाई, कोई अगर उनसे बढ़िया कोई है तो। अरे भाई बोलने दिए ना, चोर मिल के कौन विकल्प है, कौन सही है, विकल्प कौन है, किसको? तो पीछे टिक्की, सुन लीजिए आराम से डिबेट कीजिए। पीछे टिक्की आगे ठीक, और राहुल गांधी कर देंगे सबको ठीक। अच्छा, ठीक है, ये इस बार राहुल गांधी इस बार सबको ठीक कर देंगे। ये बोलते हैं कि राहुल गांधी ने ये कर दिया, राहुल गांधी ने वो कर दिया, ये इनको पहले पता होना चाहिए कि राहुल गांधी अभी कि ना वे कभी प्रधानमंत्री बने ही नहीं वो। ठीक है, ये बोलते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ठीक है, ठीक है, ITI कांग्रेस ने नहीं लाई,
एम्स कांग्रेस नहीं लाई, इसरो ने इसरो कांग्रेस नहीं लाई, सुई का फैक्ट्री कांग्रेस नहीं लाई। कांग्रेस ने बहुत घोटाला किया, सब कुछ लूट लिया देश का, लेकिन एक काम बहुत बढ़िया किया था। क्या काम किया? पल्स पोलियो बराबर दिए सबको। ये जितने अनभक्त है ना, सब आले टेढ़े पैदा होते हैं, समझे? जितने अनभक्त अंधभक्त चमचा का जलाने का काम करता है। अंधभक्त बोलिए, कुछ भी बोलिए, आएगा मोदी। 10 साल से बोरा रहे ना, इनको बोराने दीजिए, आएगा मोदी ही। कारण क्या है देखिए, बताते हैं आप। तो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को गाली देता है, उसको सबको गाली देकर इंडी गठबंधन मना लिया, उसको किस हिसाब से वोट देगा आदमी? सब एक दूसरे को गाली देता था। कितना पार्टी इनसे पूछिए, 44 अरे बीजेपी पार्टी, 26 पार्टी, बीजेपी का पार्टी और कांग्रेस का पार्टी। जिंदगी भर झूठ बोलता रहता है बीजेपी, उसका क्या नाम ले रहे हैं भाई जी? शर्म लगता है नाम लेने में। हर जगह युवा चाहता है परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन हो के रहेगा। आपको क्या लगता है, ये कह रहे हैं परिवर्तन हो के रहेगा, आपको क्या लगता है? परिवर्तन होगा ना, पिछला बार 300 सीट है, इस बार 400 का परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन यहाँ लड़ाई नहीं है कि मोदी जी जीत रहे, यहाँ झगड़ा इस बात का है कांग्रेस से, हम 400 पार उनको होने नहीं देंगे। ये लोग पहले मान चुका है जिससे वो पार नहीं होगा, जीत पहले रहे। बस यहाँ कांग्रेस का प्रयास ये है कि हम उनको 400 पार करने से रोकेंगे, वो जीत पाए तो जीत सारे 300 हम जाएंगे। यहाँ माइंड साइकोलॉजिस्ट बीजेपी खेल रहा है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस कर रही है 400 पार होने नहीं देंगे, बीजेपी कर रही है 400 पार। 543 सीट है, जीत तो 300 में न जाएगा प्रधानमंत्री, लेकिन 400 पार काहे बोल रहा है? काहे कि लोग बोलेगा कि हम 400 पार नहीं करने देंगे, हम सारे 300 लाए प्रधानमंत्री बन गए, यहाँ खेला ही है। मोदी जी फिर जा रहे हैं? अरे आ रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, आ गए हैं। 24 तो क्लियर है, आपको क्या लगता है? हमको भी लग रहा है कि मोदी जी आ गए हैं, आ गए हैं, 400 नतीजा आज ही आ गया, तो हुआ नहीं अभी तक, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि आ गए, हम वोट देंगे, वोट हम ही लोग ना देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 का क्या कुछ लग रहा है इस बार माहौल? मोदी आएगा और कौन आएगा? मोदी जी आ रहे हैं फिर से आ रहे हैं। मोदी जी वादा किए थे कि 15 लाख रुपया देंगे, 15 लाख रुपया हमको नहीं चाहिए, लेकिन 15 साल काम करने का मौका देंगे उसको। 15 लाख नहीं चाहिए, लेकिन 15 लाख नहीं चाहिए, लेकिन 15 साल काम करने का मौका देंगे मोदी जी को। क्या कह रहे हैं इधर आइए, मोदी जी बाबा जी का घंटा देगा, घंटा देगा। हाँ, 24 में क्या होगा इस बार? कांग्रेस आएगा, राहुल गांधी। अच्छा, कह रहे हैं मोदी जी आ रहे हैं फिर से, कांग्रेस आएगा, दाल ठोक कर दिखते रख रहे हैं। ओके, पढ़े कह रहे आएंगे तो राहुल गांधी ही जान लीजिए बस, क्योंकि राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं और वो युवाओं की बात करता है। और उसका जो स्कीम अभी जो हुआ आया है मैनिफेस्टो, उसमें देख लीजिए जो बात हुआ है, युवाओं का, गरीब किसानों का, उसके बाद नौकरी की, सबकी बात हुई है। अब मोदी जी 2 करोड़ नौकरी देते रह गया, मिलता रह गया, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलता रह गया, मिला किसी को? तो नहीं मिला। आया किसी को? और सबको ईडी का केस करा के, भैया चंदा दे दो, तुम नहीं दे रहे भैया, जाओ छापा मारो, ऐसे चंदा लिए वो। हाँ, ऐसे लोग को क्या करेंगे? वो बनेंगे नहीं बनेंगे? आएंगे तो राहुल गांधी आएंगे। और देश कोई इसमें रोजगार की बात नहीं कर रहा है, मोदी जी आ रहे हैं, भैया ने राम मंदिर बना दिया, अच्छी बात है। अब आप नौकरी की बात करिए ना, राम मंदिर बन गया सबके लिए अच्छा है, राम मंदिर बन गया सबके लिए अच्छा है, और राम मंदिर बना बहुत अच्छी बात है और बनना चाहिए था, लेकिन आप नौकरी की बात करिए। लग रहा है 24 का लोकसभा चुनाव है, क्या मुद्दे हैं आप लोग के? ईवीएम घोटाला मोदी, मंदिर घोटाला मोदी, धर्म घोटाला मोदी। वो रोजगार पर बात करके दिखा दे, हमको पलटने वाला नहीं, हमको गारंटी को बरांटी नहीं करना है, हमको गारंटी का नाम गारंटी चाहिए, नाम बदलने से, धर्म बदलने से। जिस देश में अगर शिक्षा का बात नहीं किया जाए, रोजगार का बात नहीं किया जाए, और जिस धर्म में युवा अगर धर्म की बात करने लगेगा, वो नौकरी के बदल बाबा जी का घंटा बजाए। कितने नेता के लड़के बात करते हैं जय श्री राम का, कौन आके वो करता है? सबके बच्चे पढ़ते हैं विदेश में, यहाँ गरीबों से बच्चे। हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। हम भगत सिंह को भी पूछते हैं, महात्मा गांधी को भी पूछते हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी पूछते हैं, मेरे लिए सर्व सम्मान है, लेकिन नेता के लिए, वोट लेने के लिए हिंदू सर्व सम्मान है। तो हमको धर्म की राजनीति नहीं करना है, हमको रोजगार का राजनीति करना है। 2 करोड़ रोजगार का वादा, महंगाई कम करेंगे, अच्छा दिन आना, अडानी रेलवे 2014 में ये वादा किया गया था, कितना काम हुआ? अगर नरेंद्र मोदी का डर है तो सिर्फ बिहार से बढ़ाया 7 रुपया, 7 रुपया में क्या होगा, उतना तो पेट्रोल बढ़ जाता है, 10 रुपया 20 रुपया एक बार में। मनरेगा वाले कितना बढ़ा है? 7 रुपया ला रहे हैं आज। 2014 में 300 रुपये गैस सिलेंडर था, और 2024 आ रहा है 1400। गैस पे कौन खाना बना रहा है?
हर एक घर में यूज हो रहा है। किरासन तेल, सरसों का तेल सभी यूज हो रहा है। जो 120 था 180 200 पार करेगा, उस पर क्यों नहीं आवाज उठा रहा है जनता? धर्म की बात हो, जिसके घर में जनता समर्थन दे रही तब ना बीजेपी जीत डाला। बीजेपी, मेरा बात को समझिए, हम किसी को ना धर्म बात ही को, हम हिंदू हैं, हम चाहे हम लालू को वोट दें, ममता को वोट दें या मोदी को वोट दें, हम धर्म से कहते हैं हम हिंदू हैं। वो तो आपका मर्जी है। हम भगवान राम को भी पूजते हैं, कृष्ण को भी पूजते हैं, शिव शंकर को भी पूजते हैं, लेकिन मेरा पैदाइशी हिंदू है, हम हिंदू को धर्म। दो महीना बाद एक मिनट क्या लग रहा सर, 24 का लोकसभा चुनाव है, क्या कुछ मुद्दा लग रहा है इस बार? मुद्दा क्या लग रहा है, मोदी जी आएंगे और हम लोग को पूरा भरोसा है कि जिस तरह से विकास कर रहे हैं, पहले से करते आ रहे हैं, विकास होगा। लोगों का काम है बोलना, बोलते रहेंगे। लोग तो कह रहे हैं कि बहुत बेरोजगारी, महंगाई सब बढ़ गया है, बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिला है। मुद्दा बेरोजगारी महंगाई बढ़ी नहीं है, ये परसेप्शन बनाया गया है कि बेरोजगारी महंगाई बढ़ गई है। बात है कि बेरोजगारी और महंगाई तो कांग्रेस के ज़माने से बढ़ते आ रही है, उस समय भी बढ़ रहा था, समय बदल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो आपको फैसिलिटीज़ भी मिल रही है। इसका ऐसा कार्यकाल रहा मोदी जी का 10 साल का? बहुत बढ़िया। क्या क्या काम हुआ जनता के लिए? देखिए, एक स्वाभिमान वाली जो बात होती थी, जो हमारा देश और हमारे देश के लोग स्वाभिमान भूल गए थे, आज वो स्वाभिमान हम लोगों के पास आ गया है। तो वो स्वाभिमान होना बहुत ज़रूरी है, अभिमान होना गलत है, लेकिन स्वाभिमानी होना और स्वाभिमान होना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। स्वाभिमान से आज हम लोग खड़ा होकर बाहर जाते हैं तो स्वाभिमान से बोल पाते हैं कि नहीं भाई, हम भारत से हैं। पहले भी तो लोग बोलते थे स्वाभिमान से भारत, लेकिन लोग वहाँ पे हम लोग से पहले लोग भारत से जाकर बाहर से पढ़ाई करके आए हैं। आज़ादी के पहले भारत ज़्यादा अच्छा था, जब से कांग्रेस आई भारत असलियत में गुलाम हो गया। कांग्रेस आई तो भारत गुलाम हो गया, अगर कांग्रेस नहीं आती तो भारत आज़ाद कैसे होता? भारत आज़ाद होता, हो सकता है कि कुछ ऐसे नेता जैसे नेहरू जी आए, जो बोलना सही नहीं होगा, बहुत लोग बोलते हैं, हम भी बोलेंगे तो उस पर राजनीति हो जाएगा, लेकिन नेहरू जी आए और बहुत सारे कांग्रेस के नेता जो बहुत साल तक राज किए, सिर्फ लूटपाट की राजनीति हुई। राज किए वो लोग, देश को आज़ादी दिलाए। भविष्य में मेरा बाप क्या था, दारू पीता था क्या नहीं, जो मेरा अभी जो वर्तमान में क्या उसका बात किया जाए। मेरा बाप लालू यादव चोर है, इसका मेरा बेटा चोर है, तुम्हारा बाप डाकू था, तुम भी डाकू हो गए। हमारा तो कहना ये है, भूत भविष्य का इतना साल की बात किया जाए इतने जा रहा, लेकिन आप कह रहे हैं कि जब कांग्रेस का राज आया तो देश गुलाम हो गए, ये मतलब बात समझ। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप देख लीजिए, जितना भी घोटाला हुआ है, बहुत सारा घोटाला, एक नहीं, क्या क्या घोटाला, दो चार घोटाला का नाम। एक घोटाला हमको याद है बहुत बढ़िया से, जो हम आपको कॉमनवेल्थ का घोटाला जो हुआ था, बहुत बड़ा घोटाला था। लेकिन आज के समय में करप्शन है, हम मानते हैं उस बात को, लेकिन कम हुआ है। हम आपका बात मान रहे हैं, जेल में, लेकिन आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम में देश गुलाम हो गए, ये बात तो सही नहीं है। आपको नहीं गलतफहमी, ये मेरा अपना ओपिनियन है। और जितना मनमोहन सिंह अपना देश का आर्थिक स्थिति से सुधारने में काम किया है, उतना नरेंद्र मोदी कभी नहीं करेंगे। उपाय जब देखिए, जब वो सुधार रहे थे सब कुछ, जब सब रेलवे बोर्ड है ना, अडानी लिखा जाएगा, घंटा बजाते रह जाना। अभी जो बोल रहे हैं ना कि गरीबों का नेता है, गैस 300 रुपये सिलेंडर 1400 पहुंच गया, पेट्रोल जब आता है लो कितना कम कर दो, 70 कर दो, लो लो कितना कर दो, 20 कर दो, और जैसे चुनाव आ जाता है पेट्रोल 110 120 चला जाता है। इस पे किसी का नहीं है, इस पे किसी का नहीं ध्यान जा रहा है, तो क्या बात करेंगे? धर्म का बात ले लेंगे, धर्म का पढ़ना पड़ेंगे। अरे भाई, बात करना तो रोजगार की बात करो, बात करना है तो बढ़ती हुई महंगाई पे बात करो, बात करना है तो शिक्षा पे बात करो। कौन ऐसा देश है जिस पे पढ़ने लिखने पे जीएसटी लगाता है? कौन ऐसा बच्चा है जो कि बच्चा को दूध पीने पे जीएसटी लगाया जाता है? कौन ऐसा देश है जहाँ खाना पानी पे जीएसटी लगाता है? आवाज बात कर रहे हैं, बड़े बड़े बोल बोल रहे हैं, मोदी जी बेस्ट हैं, मोदी जी बेस्ट हैं। रोजगार पे बात करिए, हमको धर्म पे राजनीतिक पे बात नहीं करना है, सिर्फ ओनली फॉर रोजगार और ओनली फॉर विकास। जीएसटी लगता है तो वो लग, अगर मान लो कि लग भी रहा है, किसके लिए लग रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, वो भी तो सोचने वाली बात है। अगर सिंपल मायने में देखो, टैक्स अगर लग रहा है, टैक्स सरकार ले रही है तो वो किसके लिए कर रही है, कहाँ काम हो रहा है,
करोड़ रुपया किसके लिए अंडानी को माफ किया पूछिए, ये 850 करोड़ ब्रांडेड घोटाला किसके लिए किया जरा पूछिए उनसे। किसानों के 750 किसानों की हत्या किया किसके लिए किया, MSP नहीं दिया किसके लिए, और पूरे भारत में बड़ी बड़ी गोदाम अंडानी को अंबानी जो खोला था किसके लिए खोला था पूछिए जरा सवाल, पूछिए वो डाकुओं से सवाल जो राष्ट्र को लूटने का काम किया है, वो राष्ट्र लुटेरे को जरा पूछिए। राष्ट्र लूट के वो ले जाएंगे कहाँ? हाँ राष्ट्र लुटे ले भगाए लुटेरे लुटेरे को ये एक दर्जन लोगों को राष्ट्र लुटवा लुटवा के इंग्लैंड अमेरिका पार करवाया, ये तारी पार करवाया भारत की जनता की पैसा है। अरे जी हाँ, अरे जो चोरी किया है, अरे चोरी मोदी किया,